हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं एक दिवाली लाइट। ये लाइट 30 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें 4 RGB LED चाहिए। LED का बड़ा वाला लेग पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव होता है। LED को मैंने कार्डबोर्ड के पीस पर चिपका दिया है। LED के पॉजिटिव टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करके एक वायर निकल लेना है। उसी तरह नेगेटिव टर्मिनल्स को एक साइड में कनेक्ट करके दूसरा वायर निकाल लेना है। अब कार्डबोर्ड के पीस को LED के ऊपर फिक्स करके उसका वायर निकाल लेना है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब LED के कैप को लगा देना है। इसे पावर देने के लिए मैं एक डेटा केबल का यूज़ कर रहा हूँ। इस केबल में 4 वायर्स होते हैं। चारों वायर्स में से कौन सा वाला पॉजिटिव और कौन सा वाला नेगेटिव है, इसको पहचानने के लिए डाटा केबल को एडेप्टर में लगा लेना है। फिर उसे बोर्ड में लगा लेना है। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमें एक छोटा सा LED चाहिए। सबसे पहले LED के एक टर्मिनल को एक वायर में जोड़ लेना है। फिर LED का जो दूसरा वाला लेग है उस पर डाटा केबल के बाकी 3 वायर्स को लगाकर देख लेना है। अगर LED बहुत कम जल रही है या फिर जल ही नहीं रही तो LED का पहला वाला लेग डाटा केबल के बाकी वायर्स में लगाकर देख लेना है। जिन दोनों वायर में भी LED को लगाने पर LED ग्लो करे उस दोनों वायर को छोड़ के बाकी वायर को कैंची की सहायता से कट कर देना है। अगर डाटा केबल का दोनों वायर आपस में टच हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए सावधानी से काम करें। LED और डाटा केबल का पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को आपस में कनेक्ट कर देना है। अब इसे टेप की सहायता से अच्छे से चिपका देना है, वरना एक शॉर्ट सर्किट होगा। हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छे तरह से काम कर रहा है। अगर आपको आया इस वीडियो में मज़ा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।